हेलो, दिस इज अक्षय दीवान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर स्फेरिकल लेंस ऑल अबाउट। दिस इज माय चैप्टर सीरीज फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड दिस इज आवर थर्ड वीडियो फॉर दिस लेक्चर सीरीज। फर्स्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन को समझा था क्या था, सेकंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की भी हमने वीडियो देखी है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर लेंसेज, और फाइनली हम लेंस के जितने भी रे डायग्राम्स हैं अपकमिंग वीडियोस में आप उनको देख पाओगे, बोथ फॉर कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। तो स्टार्टिंग विद लेंस, देखो आपको पता है कि रिफ्रैक्शन किसके थ्रू होगा। एक जब दूसरा मीडियम आता है बीच में, लाइट एक मीडियम से ट्रेवल कर रही थी, दूसरा मीडियम उसके पाथ में आ गया, तो बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मीडियम लाइट अपना पाथ क्या करती है, डेविएट करती है, वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, वो दूसरे रास्ते से चली जाएगी डिपेंडिंग अपॉन हमारा मीडियम कैसा है दूसरा, राइट। तो लेंस क्या है? लेंस आपका वो ऐसा एक पीस है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जो जिसका ऑप्टिकल मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट है, उसके आप दोनों साइड देख सकते हैं। जैसे वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, तो हो सकता है किसी का इसका एक एज हमारा स्फेरिकल हो सकता है दोनों एज स्फेरिकल हो, तो डिपेंडिंग अपॉन कैसे एजेस हैं उसके हिसाब से भी हम दो टाइप के हमारे पास लेंस होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स लेंसेस कन्वर्जिंग लेंस, वो रेस को क्लोज लेकर आएगा, एक दूसरे के पास लेकर आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लेके आएगा, जो हम आगे देखेंगे। एंड कनकेव लेंस क्या है? इट विल डाइवर्ज, इट विल वो दूर लेके जाएगा रेस को बेसिकली। तो डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, आपको डायग्राम देख के आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा कौन सा लेंस आपको दे रखा है। इफ वी टॉक अबाउट कन्वेक्स लेंस, आप देख पा रहे हो सेंटर में वो थिक है, मिडल में वो थिक है, मोटा है, और एजेस पे वो टेपर होता जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो इसके दो साइड होती है, सेंटर लाइन से आप दो साइड देख सकते हैं। अगर दोनों साइड हमारा क्या है, कॉन्वेक्स सर्फेस है, ऐसे बल्जिंग आउटवर्ड सर्फेस है कन्वेक्स, तो दोनों साइड ऐसा सर्फेस है, इट इज कॉल्ड डबल कन्वेक्स लेंस। बट अगर एक साइड प्लेन है और एक साइड हमारा कन्वेक्स है, तो इट इज प्लेनो कॉन्वेक्स और इट इज कनकेव। देखो ये साइड कनकेव है, ये केव वाली साइड, बट ये वाली साइड कन्वेक्स है, तो कनकेव हो कॉन्वेक्स। सिमिलरली कनकेव होता है आपका, कनकेव दोनों साइड है, सेंटर मिडल में ये क्या होता है, मिडल में देखो इसकी थिकनेस कम होती है, थिन होता है, एजेस पे इट इज थिकर। और अगर दोनों साइड कनकेव ट्रांसपेरेंट मटीरियल है, तो स्फेरिकल मटीरियल है दोनों साइड, बट कनकेव है, सो इट इज डबल कनकेव लेंस। एक साइड प्लेन हो गया, प्लेनो कनकेव, एक साइड कन्वेक्स, एक साइड कनकेव, तो कन्वेक्सो कनकेव हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट लेंसेज डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल हम क्या करते हैं, मैक्सिमम केसेस में डबल कन्वेक्स करते हैं या डबल कनकेव के बारे में हम स्टडी करते हैं। जितने भी रे डायग्राम्स बनाएंगे इन दोनों को यूज करके बनाएंगे हम, राइट। अगर मान लो दोनों का जो स्फेरिकल सरफेस है उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, दोनों इक्वल अमाउंट से उनमें स्फेरिकल जो पोर्शन है वो इक्वल है, तो दोनों जो डबल कन्वेक्स है डबल कनकेव है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वी कनकेव इक्वी कॉन्वेक्स, अगर दोनों साइड सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है इन स्फेरिकल सर्फेसेस का, राइट। अब हम देखेंगे इन डायग्राम्स के अंदर जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट दैट नाउ। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखने वाले हैं हम, ध्यान देना आपको। दिस इज द डायग्राम फॉर कन्वेक्स लेंस। इक्वी कन्वेक्स मैंने ले लिया दोनों साइड, डबल कन्वेक्स है ये, डबल कनकेव है, दोनों साइड स्फेरिकल सरफेस आप देख पा रहे हो, राइट। ये अगर मैं इस लेंस के सेंटर लाइन देखूं, ये सेंटर लाइन हम देख रहे हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस और जो सेंटर लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो क्या होगा, देखो ये जो ओ पॉइंट होता है सेंटर में, दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर इन बोथ द केसेस, ठीक है। इसके इस साइड और इस साइड बराबर हमारा इक्वी कन्वेक्स है, तो ये कन्वेक्स सरफेस यहाँ पे और यहाँ पे बराबर होगा आपका, ठीक है। दिस लाइन इमेजिनरी लाइन जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो ओ और एफ से पास कर रही है, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। देखो क्या होता है, दोनों साइड इसके फोकस होगा, दोनों साइड इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों है, बिकॉज दो हमारे पास दोनों साइड स्फेरिकल सर्फेसिस हैं। मान लो ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट मीन्स यहां से रख के अगर आप देखोगे ना, ये एक पूरे स्फीयर का पार्ट है, जो ये वाला स्फेरिकल सर्फेस है ये पूरा एक स्फीयर का पार्ट है, तो उसका सेंटर यहाँ पे रखा होगा। अगर हम इसको पूरा ड्रॉ करते तो ऐसे सर्कल बन जाता,
ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पूरा सर्कल बन जाता, बट ये रेडियस है, तो इसका हमने एक पोर्शन हमने पूरे स्फेरिकल सरफेस का ले रखा है, विच इज योर लेंस का पार्ट, ठीक है ना। देखो जैसे क्या होता है, मान लो ऐसे ये हमारा लेंस है इस टाइप से, तो ये एक्चुअल में यूं होता है, ये एक स्फीयर का पार्ट है, ये एक स्फीयर का पार्ट है, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, यहाँ C1 है, इसका C2 है, तो दोनों का सेंटर यही रहा, और हमने ये वाला पोर्शन इसमें से निकाल लिया, दैट बिकम्स योर कन्वेक्स लेंस। तो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ओ से एफ तक की लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ, ओ से ऑप्टिकल सेंटर से सारे मेजरमेंट करे जाते हैं, रेफरेंस पॉइंट है, तो इस ओ सेंटर लाइन से ये C2 तक जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी योर R, क्योंकि दोनों साइड रेडियस सेम है, तो किसी भी साइड आप ले सकते हो, मैंने इस साइड बना के दिखाया आपको। इस केस में अगर हम देखें, दिस इज योर कनकेव लेंस, इफ F1 पॉइंट आपका फोकस पॉइंट हो गया, फोकस पॉइंट के बारे में आपको मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट डायग्राम में कि फोकस होता क्या एक्चुअल में, एंड O से लेके C तक का डिस्टेंस विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑल्सो वी नो दैट कि रेडियस और इसमें रिलेशन क्या है फोकल लेंथ में, इट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकस पॉइंट जो हमारा होता है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो डायग्राम आपको इस टाइप से बनाने हैं, कनकेव और कन्वेक्स के ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारे आपको पता होने चाहिए, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कि कन्वेक्स और कनकेव लेंस का हमारा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर क्या होता है। अब हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर देखेंगे लेंस का। कन्वेक्स लेंस इज योर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, इवन आई विल बी टेलिंग यू, ये जो फोकस हमने दोनों साइड लिए थे वो कैसे आते हैं। देखो अगर हम F1 की बात करें, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। F1 लिखा है तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया, और इस लेंथ को भी बोल देंगे फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ। ये एक ऐसा पॉइंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे। देखो ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, तो ये जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है इस पे एक ऐसा पॉइंट है जिससे जब रेज निकलती हैं, स्टार्ट होती है निकलना, और कन्वेक्स लेंस के थ्रू जब उनमें रिफ्रैक्शन होती हैं, वो लेंस से बाहर निकलने के बाद दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जिससे जब रेज निकलेंगी दे विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वर्जिंग योर कन्वेक्स लेंस। देखो ये शायद सीधी जाती, लेकिन उसको इसने ये देखो ये यूं निकल रही है ना, सीधी जाती, ये ऐसे हो गई, ये क्लोज आ गई। क्लोज आने को कहते हैं कन्वर्जिंग, क्लोज लाने को बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर। तो अगर आपसे कोई पूछता है लेंस का नेचर बताओ, इट इज कन्वर्जिंग, उसका नाम बताओ, इट इज कन्वेक्स। सिमिलरली सेकेंड प्रिंसिपल फोकस अगर हम देखें कन्वेक्स का, अगर कोई रेज पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो एक ऐसे पॉइंट पे आके मीट करती है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, जब सारी एक जगह आके क्लोज हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, मीट कर जाएंगी, उस सेकेंड पॉइंट को बोल देंगे हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। दिस वॉज फॉर कन्वेक्स लेंस। सेम चीज़ अप्लाई करेंगे फॉर डाइवर्जिंग नेचर ऑफ कनकेव लेंस। ये सारी जा रही थी एक पॉइंट की तरफ, देखो ये सारी एक पॉइंट की तरफ जाते हुए दिख रही है मुझे, ऐसा लग रहा है दे आर गोइंग हेयर, ऐसा लग रहा है वर्चुअल है ये, बट ये क्या कर देगा लेंस उसको, दे विल मेक इट पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो जो रेज एक पॉइंट की तरफ जाती हुई आपको दिख रही हैं इनिशियली, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कनकेव लेंस दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये क्लोज आ रही थी ना, इसने दूर कर दिया, देखो ये क्लोज आती लेकिन ये दूर कर दिया, एक्चुअल में ये हुआ है जो पैरेलल लाइंस हैं, ऐसा हमें लग रहा है कि एक पॉइंट की तरफ जा रही हैं, तो जिस पॉइंट पे आकर अगर वो मीट करती तो वो वर्चुअल पॉइंट हमारा वर्चुअल फोकस हो गया, इसको वर्चुअल फोकस बोलते हैं। दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर कनकेव लेंस, बट इट इज वर्चुअल इन नेचर बिकॉज एक्चुअल में ये मीट नहीं करी, बट हमें लगता अगर वो मीट करती तो यहीं पे करती। अगर सिमिलरली सेकंड की बात करें, पैरेलल अगर रेज जा रही हैं तो उसने क्या कर दिया, उनको दूर कर दिया, डी से डाइवर्जिंग, डी से दूर करता है, दैट इज द थिंग। तो हमें लग रहा है जो बाहर निकली है ना ये वाली, इस पॉइंट से दूर जाते हुए दिख रही है आपको, हमें लग रहा है कि ये जो बाहर निकली है ना, ये जो रेज बाहर निकली है, हमें लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रही है, बिकॉज हमें अपीयर हो रहा है इट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग। सो दिस इज आर वर्चुअल फोकस, ये आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, बट इट इज वर्चुअल। कनकेव के केस में दोनों केस वर्चुअल होते हैं हमारे, दोनों वर्चुअल फोकस मिलते हैं हमें, इवन इससे मिलने वाली जो इमेज बनती है वो भी वर्चुअली मिलेंगी आपको, राइट। तो दे आर अपीयरिंग टू कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज योर सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लेंसेज, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बाकी वीडियोस भी डाल दिए, इससे इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप और कुछ रूल्स की हेल्प से आप रे डायग्राम्स बना पाओगे कनकेव और कन्वेक्स के, जिसकी आप वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ऑल्सो यू कैन पोस्ट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।